वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 729। देखिए यह है 729 और हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए बेटा, आपको मालूम है कि प्राइम नंबर हम किससे कहते हैं। प्राइम नंबर आपको मालूम है एक ऐसा नंबर होता है जिसमें दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और वो नंबर खुद। तो 729 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा इस तरह। देखिए 729 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो लिहाजा हम देखेंगे क्या इसको 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर आप इस 729 के डिजिट्स का सम कर देंगे, 7+2 इज 9, 9+9 इज 18, 18 तो 3 के टेबल में आता है, लिहाजा ये सारा नंबर जो है 3 के टेबल में आएगा, यानी इसको 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 आर 6, 7 - 6 इज 1, वो 1 मिलेगा 2 के साथ ही, 12 बनेगा, 3 4 आर 12 एंड 3 3 आर 9। 243 में फिर वही से है, 2+4 इज 6+3 इज 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, लिहाजा 243 भी 3 के टेबल में आया, इसको 3 से डिवाइड होगा। 3 8 इज आर 24, 3 1 आर 3, शाबाश। देखिए 81 भी 3 के टेबल में आएगा, 3 2 आर 6, 7 8 - 6 इज 2, ये बनेगा 21, 3 7 इज आर 21 एंड 3 9 इज आर 27, देन 3 3 इज आर 9। सो इंस्टेड ऑफ दिस 729 के जो फैक्टर्स है वो हम लिखेंगे फिर। सो फैक्टर्स ऑफ 729 आर, देखिए क्या बनेंगे फैक्टर्स, ये 3 बनेगा कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। सो 729 के फैक्टर्स बनेंगे 3 × 3, यही 3 लेना है कितनी बार, 6 बार, 3 3 3 × 3। ठीक है जी, तो अब हम क्या निकालना है, वेयर टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, देखिए क्या करना है, यहां पर आपको दो दो फैक्टर्स के बदले एक ही लेना है, जो दो फैक्टर्स है 3 × 3 इनके बदले एक ही लिखना है, फिर यहां पर भी दो फैक्टर्स है 3 × 3 इनके बदले आपको एक ही लिखना है, और यहां पर भी है दो फैक्टर्स 3 × 3 इनके बदले भी एक ही लिखना है। तो आप 3 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9 3 = 27। सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट स्क्वायर ऑफ 27 इज 729। ठीक है, इसी तरह एक और नंबर है इसमें 400। तो 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे पहले। देखिए दूसरे पार्ट में हमें 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 400 चूंकि इवन नंबर है, लिहाजा पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 2 आर 4, 0 और 0, देन 2 × 100 इज 200, देन 2 × 50 इज 100, ओके, देन 2 × 25 इज 50, और अब किससे होगा, 5 से होगा, 5 × 5 इज 25, ओके। तो अब सारे फैक्टर्स क्या बन गए, ये प्राइम नंबर बन गए। तो 400 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई वो क्या आ गई, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, तो 2 4 बार आ गया और 5 आ गया 2 बार। तो लिहाजा जो स्क्वायर रूट बनेगा 400 का, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज, देखिए बेटा इन दो फैक्टर्स के बदले एक ही फैक्टर लिखना है, 2 इन दो के बदले भी एक ही लिखना है, और इन दो फैक्टर्स के बदले भी एक ही लिखना है। तो 2 × 2 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4 4 5 = 20। सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20, और इन अदर वर्ड्स स्क्वायर ऑफ 20 इज 400। ओके, शाबाश। इसी तरह कुछ और पार्ट्स में इसमें दिखाऊंगा, 1469 एक और हमारे पास, 1764।
1764 इसकी भी प्राइम फैक्टोराइजेशन कर देंगे, क्योंकि इवन नंबर है लिहाजा इसको 2 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो इसी से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 और 7 यानी 17 को एक साथ डिवाइड करेंगे, 2 8 इज़ 16, 17 माइनस 16 इज 1 तो ये बनेगा 16, 2 8 इज़ 16, 2 2 इज़ 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 इज़ 8, 2 4 इज़ 8, 2 1 इज़ 2। अब देखिए 441 और नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके बाद हम देखेंगे क्या इसको 3 से डिवाइड होगा। 4 + 4 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, लिहाजा 441 जो है इसको 3 से डिवाइड होगा। 3 1 इज़ 3, 4 - 3 इज़ 1, ये बनेगा 14, 3 4 इज़ 12, 14 - 12 इज़ 2, ये बनेगा 21, 3 7 इज़ 21, ओके। फिर 3 से होगा, 3 से 3 4 इज़ 12, 14 - 12 इज़ 2, ये बनेगा 27, 3 9 इज़ 27। अब 49 को तो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 और 4 हो गए 13, लिहाजा इसको 7 से होगा, अब 7 7 इज़ 49। सो वी राइट देयरफॉर जो 1764 है इसके फैक्टर्स क्या क्या बन गया, फिट्स फैक्टर्स आर 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज, इन दो के बदले हम एक ही फैक्टर लिखेंगे, इन दो के बदले भी एक ही लिख देंगे और इन दो के बदले भी एक ही लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 6 7 42, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। चलिए इसमें एक और पार्ट मैं दिखाऊंगा, फिर आप ये सारे खुद ही करेंगे। एक और पार्ट इसमें 9216, बाकी सारे इजी है, आप ये खुद ही करेंगे। 9216, तो बेटा 9216 इवन नंबर है लिहाजा इसको 2 से डिवाइड होगा, 2 4 इज़ 8, 9 - 8 इज़ 1, वो 1 मिलेगा 2 के साथ, तो 12 बनेगा, 2 6 इज़ 12। अब देखिए यहां पर दो डिजिट को एक साथ डिवाइड करना है, 16 को डिवाइड करना है, दो डिजिट है तो पहले हम 0 लिखेंगे, देन 2 8 इज़ 16, ओके। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 इज़ 4, 2 3 इज़ 6, 0 को ऐसे रख दीजिए, 2 4 इज़ 8, ये फिर से इवन नंबर बन गया तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 इज़ 2, 2 1 इज़ 2, 3 में से 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेगा 1, वो 1 मिलेगा 0 के साथ, तो 10 बनेगा, 2 5 इज़ 10, 2 2 इज़ 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 इज़ 10, 11 - 10 इज़ 1, ये बनेगा 15, 2 7 इज़ 14, 15 - 14 इज़ 1, ये बनेगा 12, 2 6 इज़ 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 इज़ 4, 5 - 4 इज़ 1, ये बनेगा 17, है ना, यहां से 1 उठेगा तो वो 7 के साथ मिलेगा, ये बनेगा 17, 2 8 इज़ 16, 17 - 16 इज़ 1, वो 1 मिलेगा 6 के साथ, ये भी 16 बन जाएगा, 2 8 इज़ 16, ठीक है जी। अब देखिए 2 8 8, फिर से जो इवन नंबर है तो लिहाजा फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 इज़ 2, 2 4 इज़ 8, 2 4 इज़ 8, 144 बन गया, है ना, 144 फिर से इवन नंबर है तो लिहाजा फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 इज़ 14, 2 2 इज़ 4, ठीक है जी, 72 बनेगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 इज़ 6, 7 - 6 इज़ 1, वो 1 मिलेगा 2 के साथ, ही 12 बनेगा, 2 6 इज़ 12, फिर से डिवाइड होगा, 2 1 इज़ 2, 3 - 2 इज़ 1, वो 1 मिलेगा 6 के साथ, तो ये बनेगा 16, 2 8 इज़ 16। अब फिर 2 से होगा, 2 9 इज़ 18, और लास्ट में अब 3 से होगा, 3 3 इज़ 9। तो लिहाजा हमने देखा जो 9216 है इसके फैक्टर्स में 2 आएगा कितनी बार, 1 2 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार 2 आएगा, 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7
एट नाइन, ठीक है ना, इंटू टेन, और थ्री आएगा दो बार, इंटू थ्री इंटू थ्री। तो लिहाजा जो स्क्वायर रूट आएगा 9216 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, अब इन दो फैक्टर्स के बदले हम एक लिख देंगे, यहां इन दो के बदले भी एक ही फैक्टर लिख देंगे, इन दो फैक्टर्स के बदले भी एक ही फैक्टर लिख देंगे, इसी तरह यहां पर इन दो के बदले एक फैक्टर लिख देंगे, यहां पर भी एक ही फैक्टर लिख देंगे, और यहां जो थ्री और थ्री है इनके बदले भी एक ही फैक्टर लिख देंगे। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करिए, टू टू जार फोर, टू जार एट, टू जार सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जार थर्टी टू, थर्टी टू को थ्री से मल्टीप्लाई करिए, थ्री टू आर सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 9216 is 96, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ 96 इज 9216। तो इस क्वेश्चन में बाकी और भी पार्ट्स हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप करेंगे, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत आएगी तो आप मुझे कॉल करेंगे। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में है, वी हैव गिवन सम नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें बता नहीं नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने। देखिए भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास 252, क्योंकि बेटा आपको मालूम है जिस भी नंबर का वन इज प्लेस का डिजिट टू होगा, थ्री होगा, सेवन होगा या एट होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो लिहाजा जो 252 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें बताएं इस 252 को किस छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए हम 252 की प्राइम फैक्टोराइजेशन कर देंगे, 252 इसकी प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 आर 2। अब रह गया 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4, 5 माइनस 4 इज 1, ये बनेगा 12 2 6 आर 12। फिर 2 से होगा, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। अब किससे होगा, 3 से होगा, 3 2 आर 6, 3 1 आर 3, और अब होगा 3 7 आर 21। तो लिहाजा जो 252 है, 252 को मैं लिख सकता हूं 2 into 2 into 3 into 3 into 7। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हर फैक्टर का दो दो बार होना जरूरी है। अब देखिए यहां पर 2 भी दो बार है, 3 दो बार है, लेकिन 7 एक ही बार है, लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो अब हम क्यों ना, अगर हम इसको इसी 7 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 भी दो बार आएगा, तो जब 7 भी दो बार आएगा तो ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो चूंकि यहां पर 7 एक ही बार है, लिहाजा हम इसी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी मल्टीप्लाई 252 बाई 7, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। पी ऑब्लिक एस मैंने लिख दिया, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब अब इसे मल्टीप्लाई किया 7 से तो वहां नया नंबर बनेगा ना। अब जो नया नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा। उस नए नंबर में 2 दो बार आएगा, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इन दो फैक्टर्स के बदले हम एक ही लिखेंगे। उस नए नंबर में 3 भी दो बार आएगा, तो स्क्वायर रूट में हम इन दो फैक्टर्स के बदले एक ही लिख देंगे, और नए नंबर में 7 भी दो बार आएगा, ठीक है ना। नया नंबर, क्योंकि आपने इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए लिहाजा जो नया नंबर बनेगा उसमें भी 7 कितनी बार आएगा, 2 बार। तो स्क्वायर रूट में इन दो 7 के बदले एक ही 7 लिखना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 6 7 जार 42। तो लिहाजा जो नया नंबर होगा, नए नंबर का स्क्वायर रूट बनेगा 42। ओके, तो इसमें और कुछ क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इन पर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। वस्सलाम।